नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कोरोना संकट में जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री घर में बैठकर फैसले ले रहे हैं, तो वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अब मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन की कमियों को देखते हुए खुद अब मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विकास एवं ओरमांझी स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस एवं इसके इंडस्ट्रियल गैसेस का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के समक्ष प्लांट के संचालक तथा कर्मचारियों ने ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा रोजाना सिलेंडरों में रिफिलिंग के संबंध में जानकारी दी। संस्थान के संचालक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस प्लांट में प्रति घंटे 36 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की क्षमता है। संस्था इस ऑक्सीजन रिफिलिंग की क्षमता को एक महीने के भीतर दुगुनी करने की योजना बना रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रबंधन को विश्वास दिलाया कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों को सरकार की तरफ से भी सहयोग दिया जाएगा, ताकि संस्थान अधिक से अधिक क्षमता के साथ ऑक्सीजन रिफिलिंग का कार्य सुनिश्चित कर सके। मुख्यमंत्री ने प्लांट को 24 घंटे तैयार रहने का निर्देश दिया, ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने संचालक से कहा कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए आता है, तो उन्हें हर हाल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओरमांझी स्थित एसके इंडस्ट्रियल गैसेस का भी निरीक्षण किया। संस्थान के संचालक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके संस्थान में प्रतिदिन 900 से 1000 जंबो सिलेंडर में ऑक्सीजन रिफिलिंग की क्षमता है। संस्थान इस क्षमता को और विकसित करने हेतु प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने संस्थान के संचालक को भरोसा दिलाया कि संस्थान की क्षमता को बढ़ाने में राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, छोड़े जाते हैं उनके पूरे वीडियो के साथ। जो सिलेंडर रिफिलर जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग देख रहे हैं, निकले हैं अभी छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहाँ आज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का रिफिल का काम चल रहा है। अभी यहाँ जो हमने देखा, एक घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है, जिसको इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सामान जो अभी इससे जुड़ी मेडिकल ये से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें जहाँ तहाँ रुकी पड़ी हैं, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। लेकिन अभी इस जो रिफिल करने की क्षमता है, इसको डबल करने की इस इंडस्ट्री की अभी योजना है। मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर इसको डबल करने में ये सक्षम हो जाएंगे। कुछ इसमें जो वेपराइजर है वो इन्होंने परचेज कर लिया है और वो रास्ते पर है, और इसके साथ जो जुड़ी कंपनियां हैं, इसको हम लोग सरकार की तरफ से भी आदेश निर्गत करेंगे कि इस इंडस्ट्री को अविलंब मदद करें और इसको जितना जल्दी हो सके इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाए, टैंक कैपेसिटी भी हो अधिक और रिफिल करने की कैपेसिटी भी हो। सर, रिम्स में भी प्लांट लगाने की योजना है अन्य जगहों पर, उसके लिए कितना वर्कआउट हो रहा है रिम्स वगैरह में, मेडिकल कॉलेज में? देखिए, अभी सभी यहाँ पर तो मेडिका के भी सिलेंडर्स आ रहे हैं, रिम्स के भी आ रहे हैं, सदर के भी आ रहे हैं, और ऐसे कई रिफिलर्स यहाँ पर हैं जहाँ बहुत जगह पर सभी अस्पतालों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और हालांकि अभी गैस रिफिलिंग बहुत ज़्यादा पैनिक व्यवस्था नहीं है, अभी यहाँ छोटा नागपुर में तो प्राइवेट लोग भी आकर के यहाँ अपना रिफिल कर रहे हैं। हमने इनको कहा है
कि कोई व्यक्तिगत रूप से भी रिफिल कराने आता है तो उसको किसी भी हालत में खाली हाथ आप ना लौटाएं। यहाँ पर किसी भी अभी हम आए हैं तो यहाँ किसी तरीके की कोई अफरा तफरी नहीं है, बाकी सभी चीज़ें फुल चल रही हैं।